हेलो दोस्तों, ये है कैंपिंग ट्रैवल इंडिया थाईलैंड सीरीज़ का नया एपिसोड। इसमें इस नज़ारा को देख के आपको ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के वो तीन दोस्त ज़रूर याद आ रहे होंगे। उनकी ही तरह हमारी ज़िंदगी का भी स्कूबा का ये पहला एक्सपीरियंस है। अगर आप भी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जब हमने इस पैकेज के लिए बुकिंग की तो हमें मालूम नहीं था कि इतनी शानदार गाड़ी हमें पिकअप करने के लिए आएगी। देखिए अभी क्या आया हमारे लिए। आई है हम लोगों को स्कूबा के लिए ले जाने के लिए 2999 बाट का, हमें 100 बाट का डिस्काउंट करके 2899 करा दिया। सो दिस गाइस इज गोइंग फॉर द स्कूबा। ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हमने बुकिंग की डाइव सेंटर pattaya.com से, जिसमें हमें 2900 बाट में मिला पैकेज। और ये पूरे दिन का ट्रिप था जिसमें डाइव और स्नॉर्कलिंग आप दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें रिफ्रेशमेंट और लंच, पिक एंड ड्रॉप और सारे इक्विपमेंट इंक्लूडेड है। जब आप पटाया बीच पहुँचते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। किसी पटाया बीच से ये आपको लेकर जाएंगे स्पीड बोट में, तो एक स्पीड बोट हमें भी हायर करके यहाँ से ले जाया गया कोरल आइलैंड, जहाँ जाकर हमने स्नॉर्कलिंग और स्कूबा का मज़ा लिया। ये है वो स्पीड बोट जिसमें बैठकर हम निकले कोरल आइलैंड जाने के लिए। रास्ता खूबसूरत, नज़ारे खूबसूरत, और जाते ही जो चीज़ सबसे पहले हमें दिखाई पड़ी वो है पैरासेलिंग करते हुए ये लोग। एवरेज प्राइस है 800 to 1300 बाट। आप भी यहाँ पैरासेलिंग का मजा ले सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल तो स्कूबा है। हम निकल पले आगे और देखिए कैसा रहा हमारा पहला एक्सपीरियंस अंडर वाटर का। इस आवाज़ को सुनिए, दिस इज़ द रियल साउंड। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अंडर वाटर का, तो ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत सारी मछलियों के बीच आप भी खुद को एक मछली की तरह ही तैरते हुए पाते हैं। ये दुनिया एकदम अलग है। आप अपने सांसों की आवाज़, पानी के बुलबुलों की आवाज़ सुन पाते हैं। इतनी शांति यहाँ पर है, और बाहर आने के बाद बहुत देर तक वही शांति, वो पीस आपको अंदर तक महसूस होती है। ये रंग बिरंगे कोरल्स, रंग बिरंगी मछलियाँ आपको किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास देती है, और साथ ही साथ एक प्राउड फीलिंग होती है ये सोचकर कि हमारी धरती इतनी खूबसूरत है, वहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। ये है मेरा एक्सपीरियंस और वो नज़ारे जो मैं अपनी आँखों से देख आया। मछलियाँ इतनी नज़दीक आपके तैरती हैं, कई बार आपको छू कर निकल जाती हैं। इनके साथ तैरने का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। नीला पानी, हरी मछलियाँ और रंग बिरंगे कलर्स हर तरफ। कुछ और भी एक्सपीरियंस हैं जो आपको यहाँ कोरल आइलैंड में स्कूबा करते हुए देखने को मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो आपने सुन लिया, अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ अपने दोनों दोस्तों का कि उन्हें कैसा लगा यहाँ पर स्कूबा करने के बाद। तो सुनिए आप भी मेरे साथ। वन लाइन फीडबैक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑसम, ऑसम। शुरू में तो, स्टार्टिंग में तो, टेल मी मोर अबाउट इट। देखो माय एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था, बट बाद में क्या हुआ ना, मैं पानी के अंदर गया ना, सो बिकॉज वी वेंट इन टू 5.8 मीटर्स डीप इन साइड द वाटर। सो व्हाट हैपन्ड इज वाटर स्टार्टिंग गेटिंग इन टू माई नोज
my mouth, salty water, my mouth and my ears and my head. So due to all this, my head is getting, you know, headache. So at that time, we finished the diving and we came up. We stayed underwater approximately half an hour, and it was half amazing. An hour in the water. Urchin is a animal in the water, you know, animal. Not like, animal, fish. It's like, you know, black and cat and dogs and, living okay. here. Okay. A normal animal. Kaate hote hain uske. Okay. बहुत सारे काटे होते हैं उसके लाइक वो नहीं होता जो कौन होता है वो एक जानवर होता है जिसके बाहर कांटे से होते हैं ओके लाइक दैट ओके सो उसके पैर में ये लगे इसके कांटे बहुत सारे शो तो टकरा गए तो मुझसे हियर आर अर्चिन्स किसेस ये किस में क्लियर एंड That's right. I can see the black spots. Yeah. Here also. These are the black spots. Okay. And here are the pieces of the ocean. Ocean kissed us. Okay. When we dive into the ocean. What happened to your corals. Knee? Not rocks. What happened? Corals. What's that? Your knee? There? Corals. Oh, tum takra gaye uspe. There's. Yeah. But not in the diving. It hurts me in what that is, snorkeling? Snorkeling. They call it snorkeling, guys. Yeah, snorkeling. Okay. We did diving and snorkeling both. Cool. So, it's time to... I was very, very afraid. बिकॉज मुझे डर लग रहा था मैंने बोला उसे शी सेड डाइविंग इंस्ट्रक्टर मेली या मेली शी सेड शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड शी सेड शी टीचर्स सम साइंस ओके एंड नॉट ओके अप डाउन एंड या नॉट ओके एयर्स Not okay with the nose, okay. not okay with the mouth, not okay with the legs, like these signs, okay. she told us. Mm-hmm. And I said to her in the water that I'm not okay. Mm-hmm. So, मेरा एक बार ही फिन निकल गया था पैर में से okay. मैंने पहले वो मुझे बुला रही हूँ कम हेयर आई सेड माय फिन सो मैंने कहा निकल गया तो वो कहती है व्हाट उसको समझ ही नहीं आया पहले सो मैंने उसको बहुत मुश्किल से बताया मैंने कहा माय फिन बिकॉज पानी में यू नो नो साउंड देयर वाज नो साउंड ओनली साइन या ओनली साइन सो उसने मेरा पैर में फिर ठीक किया उसने और देन उसके बाद मेरे नोज में आईज में पानी जा रहा था बहुत ज़्यादा तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल सो आई सेड टू हर कि आई एम नॉट ओके सो गेट बैक टू द बोट देन ही सेड व्हाट हैपेंड क्या हुआ चल ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ही सेइंग ऑसम मैंने कहा व्हाट ऑसम पानी सारा जा रहा है इधर उधर व्हाट ऑसम तो देन टू थ्री टाइम्स हम लोग नीचे गए देन ऊपर आ गए वापस बिकॉज कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे देन अगेन वी गो डाउन एंड टू द सर्फेस एंड देन लास्ट यू नो फिर मैंने सोचा नहीं यस आई विल डू इट यस कम ऑन आशी कम ऑन सो आई डिड इट बिकॉज ऑफ हिम मोटिवेट किया इसने मुझे बहुत फिर बस देन जब मैं नीचे गई उसके बाद तो आई फील ऑसम उसके बाद इसको हेडेक वेडेक सब पानी वानी गया मुझे कुछ नहीं हुआ मुझे ऊपर ही हुआ जो सरफेस पे नीचे तो ऑसम मछलियाँ तैर रही थी ऐसे आसपास एंड वी सॉ ट्री क्रिसमस ट्री लिटल इन द ocean okay and it was very very beautiful small one
small one. Oh, this one. Big one. हाँ वो rocks के बीच में था. बड़ा. हाँ वो बड़ा सा था. And awesome. It was awesome. Christmas tree. और fishes जो थी उनका एक बहुत बड़ा group होता है. कई बार वो छोटी छोटी सी होती हैं. कई बार उनका बहुत सादा वाला group होता है. और वो ऐसे 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 wave करती हुई जाती हैं. And हम but we can't touch them. Because they are afraid of us. Like fast also. Yeah, they are very fast. And वो आपके पास नहीं आती हैं. So वो आपके पास नहीं आती हम उनके पास नहीं जाते. But we can see them very close. You know, this much. Yeah. And awesome means awesome experience. So once in a lifetime experience, guys. Everyone yeah. should have. Yeah. It's a good thing. And diving में हमें इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है क्योंकि it was first dive. So instructor ने भी बोला कि it was very nice. You did it very, really nice. एक वहाँ पे एक और एक couple था वहाँ पे. Okay. उन्होंने पूरा एक course किया था. That is of I think 4,000 baht. तो सर्टिफाइड कोर्स थ्री डाइव्स थी उसमें इंक्लूडिंग वन डे थ्री डाइव्स नॉट वन डे नॉट इन वन डे ना या वन डे थ्री डाइव्स दे हैड थ्री या एंड उसमें तो जो गर्ल थी उसने डाइव नहीं किया बिकॉज शी इज़ वेरी अफ्रेड वो बोलती है कि हाँ तो उसने डाइव नहीं किया बट ऐसा है उनका कि ये बहुत सारा सामने आ गया मेरे कैमरा तो ऐसा है कि वो बोलते हैं कि आप डाइव करो चाहे ना करो आपकी विश है बट आपको रिफंड नहीं होता है तो वो इट्स अप टू यू यू फील कंफर्टेबल और नॉट सो यू हैव टू पे ऑल द मनी बिफोर द डाइव सो एंड आई वाज लाइक यार बहुत मज़ा आया बस और स्पेशली इन स्नॉर्कलिंग It was awesome. उसमें हम दोनों ने हाथ पकड़ के snorkeling की and like this in the water और उसमें सब इतना clear दिखा because diving में you know हम बहुत deep थे तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था and cylinder था इतना बड़ा इतना मोटा cylinder था और मेरे cylinder में I think 210 something gas थी जो which helps us in breathing in, breathing out and all. Okay. So, but I like it. I just want to do it again. Sounds good. Really awesome. So, snorkeling can must also be it. A good option, guys. Must one, do it. 100,000 in Nikki ka rate has snorkeling ka. If you are interested, you can go for a one day. The snorkeling also. Yeah, that's... Diving is... Too good. Yeah. So diving both are good options. You pick one depending on your budget. Yeah, diving में ये है कि थोड़ा दर्द ज़्यादा लगता है, but I agree. एक बार हो गया तो then all. Yeah, so she is saying it depends. Initially you may be afraid of, but later on you feel comfortable with this. And ये जो मुझे scratches लगे हैं, ये मुझे snorkeling में लगे हैं, not in diving. Okay. Yeah. Right. So time to move now. We are moving to अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करके और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगले एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा पटाया से बैंकॉक बस में बैंकॉक से वहिन बीच वाया ट्रेन तो ये ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर करूँगा आपके साथ अगले एपिसोड में